समय हो चुका है 7:35 और ठीक 5 सेकंड। गुड मॉर्निंग इंडिया पर मैं हूँ आपके साथ आपकी मस्त मस्त आरजी माला और साथ में है मस्त मस्त चांद। और यार एक बात तो माला, मुझे कई बार कई लोग पूछते हैं कि क्या खाना चाहिए क्या पीना चाहिए। अरे हमारी तो चलो एज है, हमें काफी चीजें पता है, लेकिन जो छोटे बच्चे हैं उनको क्या देना चाहिए? उनको कोई कहते हैं इनको खूब मक्खन खिलाओ, खूब घी खिलाओ, ये खाना चाहिए, वो खाना चाहिए, मुझे कैसे पता चलेगा क्या खाना चाहिए भाई? ये बहुत सारे लोगों का सवाल होता है और पोषण माह चल रहा है तो इस टॉपिक के ऊपर बात करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये बच्चों की जिंदगी से जुड़ा हुआ सवाल है। क्योंकि अगर बच्चों में सही पोषण अगर उनकी बॉडी को मिलेगा तभी उस तरह की ग्रोथ उनकी होगी और तभी वो जिंदगी में बेहतर कर पाएंगे। तो इसीलिए आज हमारे साथ है, मतलब पोषण माह हम लोग मना रहे हैं, तो आज हमारे साथ है हमारी खास गेस्ट डॉक्टर शिखा खन्ना, जो कि एक्स HOD डिपार्टमेंट ऑफ डायटेटिक्स RML हॉस्पिटल है। और इसी बारे में हम उनसे बात करेंगे और उनसे जानना चाहेंगे कि बच्चों को किस तरह की डाइट दी जानी चाहिए। मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका शो पर। नमस्कार, सभी सुनने वालों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। जी मैम, बच्चे जो हैं बहुत नटखट होते हैं, अपनी मनमर्जी से जो चाहते हैं वो पाने की कोशिश करते हैं और इसी चक्कर में कहीं कहीं पोषण की कमी भी हो जाती है उनमें। तो जानना चाहेंगे आपसे कि बच्चों को किस तरह की डाइट दी जानी चाहिए और एज अ डाइटिशियन आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगी? देखिए 6 महीने तक का जो बच्चा है उसको किसी भी चीज की जरूरत नहीं, उसको सिर्फ माँ का दूध चाहिए। जी माँ के दूध से उसको सब चीजें मिल जाती हैं, पानी भी नहीं चाहिए। जी लेकिन 6 महीने के बाद जिसे अन्नप्राशन हमारे शास्त्रों में कहते हैं, आप सीरियल से शुरू कीजिए। चावल जो है सुपाच्य होता है, 1 चम्मच 1.5 चम्मच चावल के पानी से शुरू कीजिए। जी उसके बाद धीरे धीरे मात्रा बढ़ाइए, धीरे धीरे बाकी के जो फूड्स हैं उन्हें बच्चे के खाने में इंट्रोड्यूस कीजिए और एक समय में एक ही फूड इंट्रोड्यूस कीजिएगा। और हाँ एक खास बात, अगर आप अंडा खिलाएंगी तो वो 9 महीने के बाद खिलाइए बच्चे को, और उसमें आप पीला भाग दीजिए, सफेद नहीं, पहले पीला भाग दीजिए और 1 साल 11 महीने 1 साल के आसपास धीरे धीरे फिर सफेद इंट्रोड्यूस कीजिए एक समय में एक, ताकि उसके टेस्ट बड्स जो है बच्चे को वो पहचाने और वो ले। और बच्चे का भोजन ब्लैंड होना चाहिए, उसमें मिर्च मसाले नहीं होने चाहिए, नमक भी हल्का रखिए। जी अब बच्चा जब 1 साल का हो जाता है तब उसको सभी खानों की पहचान हो जाती है, तब वो खाना खाने लगेगा, उसको अपने साथ बिठाइए, प्यार से खिलाइए। और हाँ आजकल शहरों में तो ये भी चलन है कि बच्चे को खिला रहे हैं एक तरफ जैसे चावल की बनी खीर या खिचड़ी और साथ में कोई सॉफ्ट ड्रिंक की बॉटल लेकर बैठे, ये बहुत गलत है। एम्प्टी कैलोरीज नहीं दीजिए बच्चे को, आप शुरू से ही गलत आदतों की तरफ ले जा रहे हैं। उसके बजाय आप उससे बात करिए, उसको कोई लोरी कोई गाना सुनाइए, बच्चे की नर्सरी राइम्स में कुछ सुनाइए, ताकि बच्चे का इंटरेस्ट गाने में आपकी मधुर आवाज में और खाने में तीनों में बना रहे। मैम बड़ा अच्छा लग रहा है आपसे बात सुनके, क्योंकि आजकल ये प्रचलन ही समाप्त हो गया है। पहले दादियां नानियां इस तरह से लोरियां सुना के भुला के देख कौआ खा जाएगा चिड़िया खा जाएगा, अब भी मेरा बच्चा खा जाएगा, मुंह खोलो हप करके खा लिया। चंदा मामा दूर के चिड़िया आई दाल का दाना ले गई, तो सूमे ऐसे डालिए ना। हाँ जी, और आजकल एक चिप्स का प्रचलन बड़ा चल पड़ा है, सॉफ्ट ड्रिंक का बड़ा चल पड़ा है, बच्चे को कुछ भी हुआ मुझे बर्गर दिला दो मैं पिज्जा खाऊंगा। ये हमें भी पता है कि बड़े ही हेल्थ के लिए हजार्डस है, बट इनका सब्स्टिट्यूट क्या, हम इनकी जगह पर क्या दे सकते हैं? देखिए इनकी जगह पर आप यही चीजें पौष्टिक बनाइए और घर में बनाइए। अच्छा मतलब यही खिलाइए बट घर पर बना के खिलाइए। देखिए बच्चे को कोई चीज इंट्रोड्यूस करनी कोई गलत बात नहीं है। अगर आपके बच्चे में अगर टिफिन में आप पहले मैं 1 साल के बच्चे का बता दूं, 1 साल के बच्चे का जो आहार है वो माँ के आहार से लगभग आधा यानी कि 900 के आसपास कैलोरीज उसके चाहिए। अच्छा। और उसके बाद हर साल आप 100 कैलोरीज बढ़ाते जाइए। जी जी ये एक बिल्कुल मोटी सी बात है, और ये सारी कैलोरीज जो है वो किससे आएंगी, बच्चे का शरीर बन रहा है उसमें सबसे ज्यादा उसको प्रोटीन्स की जरूरत है, कार्बोहाइड्रेट, वसा, खनिज लवण चाहिए, विटामिन चाहिए, ये सब चीजें उसको चाहिए। अच्छा। तो ये सब चीजें फूड से आएंगी, जो हम फूड ये फूड जो है ये हमारे इन सब पौष्टिक तत्वों को लिए हुए कैप्सूल समझिए, इनकी जरूरत हर शरीर को है लेकिन इसमें संतुलन बनाने की जरूरत है। देखिए
प्रोटीन जो है वो हमें दूध दूध से बनी चीजों को से मिल जाती है, पनीर दही छाछ वगैरह से जी। जो मांस खाते हैं उनको अंडा मांस मछली चिकन इन सब से मिल जाता है, दालों से मिलता है। दालों को स्प्राउट करने से उसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू बढ़ जाती है, बहुत अच्छा सो होता है ये स्प्राउटिंग। फिर कार्बोहाइड्रेट दालों अनाजों से मिलता है, और वसा तो हम जानते ही हैं, घी मक्खन तेल इन सब से मिलता है, शक्कर गुड़ जी इन सब से मिलती है। तो अब ये सब चीजें हमें पता लग गई कि हमें किससे मिलती है। मैम कितनी अच्छी बात बताई कि ये सारी ही चीजें हमें बाजार से मार्केट से खरीदनी नहीं पड़ती, सब हमारे घर में ही मौजूद हैं, हमारे आसपास हैं सब। जी बिल्कुल, और मार्केट में तो जो मिल रहा है ये रॉ चीजें तो मिल रही हैं, प्रोसेस फूड के हब में हम बैठे हुए हैं जी। वो इतनी प्रोसेसिंग होकर हमें चीजें मिल रही हैं कि हम ये सोचते हैं कि ये भी खा ले मन ललचाता है जी। लेकिन मन एक इंच की जबान है जिसे सवाद चाहिए, और हमारा कितना बड़ा शरीर जी। अगर मैम इसे हम क्विकली समराइज करना चाहें तो अगर एक बढ़ते बच्चे की डाइट के बारे में हम बात करें चार टाइम की, कि नाश्ते में क्या खाना है, दिन में क्या खाना है, शाम को क्या खाना है और रात को क्या खाना है, तो मैम हम जानना चाहेंगे कि फिर आप अपने हिसाब से हमें एक मेन्यू दें कि बढ़ते बच्चे को ये चीजें आप चार टाइम के खाने में दीजिए। देखिए अब हम चलते हैं स्कूल में पढ़ते हुए बच्चे पर, यानी कि 3-4 साल से मीनिंग से तो आप शुरू कर करके बच्चे को बिठाकर थोड़ा थोड़ा खिला रहे हैं, थोड़ी रोटी थोड़े चावल दाल उसको सब खाने की आदत है। जब अब बच्चा स्कूल जा रहा है तो सबसे पहले ये भूखे पेट कभी भी स्कूल में बच्चे को मत भेजिए जी, उससे उसके पढ़ने की कॉन्सेंट्रेशन जो है वो कम होगी, पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। तो इसलिए बच्चे को थोड़ा सा दूध दीजिए, दूध के साथ थोड़ा सीरियल थोड़ा फल इस तरह से या नट दे सकते हैं। अच्छा, थोड़े थोड़े करके ये देना शुरू कीजिए। और उसके टिफिन में आप वैरायटी लाइए। टिफिन में देखिए आजकल हमारे माताओं के पास भी समय नहीं है, लगाया ब्रेड बटर दे दी या परौंठी बनाई वो दे दी, तो आप देखिए बच्चे को पोषण तो नहीं दे रहे ना जी। मैंने जो अपनी चीजें बताई हैं उनमें से आपने इसमें कितनी चीजें इस्तेमाल की, दो सीरियल और बसा जी। इसके बजाय अगर आप उसी में अगर आपके पास समय ही नहीं है तो भी आप बनाना चाहते हैं और सैंडविच देना चाहते हैं तो उसमें आप खीरा टमाटर लगाइए, हरी चटनी लगाइए, कोई और पनीर लगा दीजिए या अंडा करके दे दीजिए, ऐसा सैंडविच बना दीजिए। अगर रोटी कर रहे हैं तो रोटी में मिस्सी आटा थोड़ा चने मिला दीजिए, उसको दूध से गूंद कर दीजिए, या उसके साथ में उस बच्चे को कोई फल रख दीजिए, या फिर कद्दूकस करके या प्यूरी करके किसी भी सब्जी को आटे के अंदर गूंद कर आप देखिए बढ़ा रही है उसकी पौष्टिकता बिना किसी समय को खर्च किए। तो ये समझ की बात से आप उसको टिफिन में वैरायटी दीजिए। जैसे आपने अभी जंक फूड की बात की तो जंक फूड तो नाम ही बताता है कि ये जंक है, कबाड़ है। कबाड़ खाने से अच्छा पोषण दीजिए। पोषण में अगर मान लीजिए मैं आपने बर्गर का नाम लिया तो मैं बर्गर बताती हूँ। बर्गर भी अगर आपने देना है तो आटे का बन बाजार में आजकल मिलते हैं, हाँ वो लाइए, आटे का बन लाकर उसमें एक हरी चटनी की स्प्रेड कीजिए, टमाटर की सॉस अगर घर में बनी हुई है तो उसको स्प्रेड कीजिए, उसमें सब्जियां लगाइए, खीरा टमाटर ही लगा दीजिए कोई बात नहीं। अब टिक्की जो बना रही है वो दाल की टिक्की बना लीजिए अपने घर में, रात को बनाकर रख लीजिए, सुबह बच्चे को कर दे दीजिए, साथ में एक पनीर का स्लाइस दे दीजिए, वही बर्गर आपके बच्चे ने खाया, उसके दोस्तों के मन ललचाया उसका। मैम मन तो अब हमारा भी ललचा रहा है और मन कर रहा है कि आपसे खूब बातें करें, लेकिन समय की सीमा, लेकिन आपने बड़े संक्षेप में सारी चीजें बताई। मेरा एक प्रश्न ये भी था कि स्कूल में बच्चा जब टिफिन लेके जा रहा है हम तो नहीं देख रहे हैं, आपने उस प्रश्न का भी उत्तर दे दिया और बहुत अच्छा लगा मैम, आपने बहुत काम की बातें बताई। और हमारे साथ आज पोषण माह के दिन इस दिन को खास बनाया, हम बताना चाहेंगे हमारे लिसनर्स को कि आज हमारे साथ हैं डॉक्टर शिखा खन्ना, एक्स HOD डिपार्टमेंट ऑफ डायटेटिक्स RML हॉस्पिटल। थैंक यू सो मच मैम हमसे जुड़ने के लिए और गुड मॉर्निंग इंडिया पर इतनी बेहतरीन एडवाइस देने के लिए।